सर रेखा प्राइवेट आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी को एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में कटिंग हैंड टूल्स के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे, जो कि एआईटीटी मुख्य परीक्षा में इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सहायता से प्लेन वक्र सतह से फालतू पदार्थ को बारीक कोनों के रूप में हटाया जाना संभव है। चार ऑप्शन है, टैंक, हेक्सा, छेनी, रेती। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एक का डी, यानी रेती, जिसको हम लोग फाइल भी बोलते हैं। निम्न में रेती का मुख्य भाग कौन सा है? चार ऑप्शन है, टैंक, पॉइंट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दो का सी, यानी ए और बी दोनों, टैंक और पॉइंट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, रेती का चपटा भाग जिसमें कटाई दांते बने होते हैं क्या कहलाता है? चार ऑप्शन है, पॉइंट, हील, फेस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है तीन का सी, यानी फेस। चार नंबर क्वेश्चन, ड्रॉ फाइलिंग के लिए कौन सी फाइल प्रयोग की जाती है? चार ऑप्शन है, पिलर फाइल, मिल फाइल, वर्डिंग फाइल, हेड फाइल। इसका सही उत्तर चार का बी, यानी मिल फाइल। क्वेश्चन नंबर फाइव, नीचे कट के आधार पर फाइल का वर्गीकरण किया गया है, कौन कट के आधार का वर्गीकरण नहीं है चुनिए। चार ऑप्शन है, सिंगल कट, सेकेंड कट, रेस्प कट और सर्कुलर कट। इसके पांच का सही उत्तर रहेगा बी, यानी फाइलिंग में चेटरिंग होने की सबसे अधिक संभावना किस विधि में होती है? स्ट्रेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग, ड्रॉ फाइलिंग, क्वाड फाइलिंग। इसका सही उत्तर रहेगा छः का ए, यानी स्ट्रेट फाइलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अध्ययन करेंगे। देखिए सेवन, टेपिंग करते समय होल में टेप टूट गया है, इसे बाहर निकालने की निम्न विधियां हैं जो नहीं है उसे बताएं। चार ऑप्शन है, ए, टेप एक्सट्रैक्टर के द्वारा, बी, नोज फ्लेयर के द्वारा, सी, नाइट्रिक एसिड डालकर, डी, पेचकश द्वारा। सात का सही उत्तर है आपका डी, यानी पेचकश द्वारा। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था कि आपका टेपिंग करते समय होल में अगर टेप टूट जाता है तो बाहर निकालने की निम्न विधियां हैं जो नहीं है, जो नहीं होने वाला मतलब उसमें हम कर नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, वो वाला चयन करने वाला। तो पेचकश के द्वारा हम लोग उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। टेप एक्सट्रैक्टर के द्वारा भी निकाल सकते हैं, नोज फ्लेयर के द्वारा भी निकाल सकते हैं और नाइट्रिक एसिड डालकर भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन पेचकश के द्वारा हम। एट, एक होल की रिमिंग करने पर उसका साइज तो बन गया पर उसकी सतह कोई स्थानों पर धब्बे रह गए, क्या कारण हो सकता है? चार ऑप्शन है, ए, धातु को अधिक तेज स्पीड पर काटा गया, बी, रिमर का चुनाव गलत हो गया, सी, रिमिंग अलाउंस कम था, डी, शीतक कम मात्रा में प्रयोग किया गया। ठीक है, इसका सही उत्तर जगह आपका एट का सी, यानी रिमिंग अलाउंस कम था। क्वेश्चन नंबर नाइन, तैयार साइज यानी फिनिश साइज के निकट करेंगे। चार ऑप्शन है, इसमें पहला बस्टर्ड फाइल, रफ फाइल, हेड स्मूथ फाइल, सिंगल कट फाइल। नाइन का सही उत्तर आपका ए, यानी बस्टर्ड
फाइल। क्वेश्चन नंबर 10, कार्यखंड का फाइल साइज तैयार करने के लिए आप किस फाइल का प्रयोग करते हैं? ठीक है, 10 का चार ऑप्शन है, बस्टर्ड फाइल, डबल कट फाइल, सिंगल कट फाइल, डेड स्मूथ फाइल। इसका सही उत्तर 10 का डी, यानी डेड स्मूथ फाइल। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न फाइल हार्ड मेटल को तेजी से काटती है। चार ऑप्शन है, बस्टर्ड फाइल, रेस कट फाइल या रेस फाइल, कट फाइल और डबल कट फाइल। 11 का सही उत्तर आपका डी, यानी डबल कट फाइल। क्वेश्चन नंबर 12, स्क्रैपर निम्न में से किस धातु से बनाए जाते हैं? चार ऑप्शन है, हाई कार्बन स्टील, टूल स्टील, ए या बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 12 का सही उत्तर है आपका सी, यानी ए या बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 13, ड्रिलिंग टूल्स का मुख्य कार्य क्या होता है? चार ऑप्शन है, जॉब में वृत्ताकार सुराख करना, बी वृत्त रूप में कटाई करना, सी अतिरिक्त धातु को हटाना, डी इनमें से कोई नहीं। 13 का सही उत्तर आपका बी, यानी वृत्त रूप में कटाई करना। क्वेश्चन नंबर 14, पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की उपयुक्त पिच है? ए 1.8 मिलीमीटर, डी यानी आपका 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 13 का बी हो जाएगा, यानी वृत्त रूप में कटाई करना। ड्रिलिंग टूल्स का मुख्य कार्य क्या होता है? वृत्त रूप में कटाई करना। क्वेश्चन नंबर 14, पतली ट्यूब को कटने के लिए हेक्सा ब्लेड की उपयुक्त पिच होता है? चार ऑप्शन है, 1.0 मिलीमीटर, बी 0.8 मिलीमीटर, सी 1.8 मिलीमीटर, डी 1.4 मिलीमीटर। 14 का सही उत्तर आपका बी, यानी 0.8 मिलीमीटर। हेक्सा ब्लेड बार बार ढीला हो जाता है या लूज हो जाता है। चार ऑप्शन है, ब्लेड के खींच जाने के कारण, ब्लेड की पिच का सही चुनाव न होने के कारण, विंग नट की चूड़ियाँ घिस जाने के कारण, सीतक का प्रयोग न करने के कारण। 15 का सही उत्तर है आपका आता है हो जाता है, यह ब्लेड ढीला हो जाता है। ठीक है, 16 नंबर, ठोस पीतल ये चार ऑप्शन है, ए 1.0 मिलीमीटर, बी 1.8 मिलीमीटर, सी 1.4 मिलीमीटर, डी 0.8 मिलीमीटर। इसका सही उत्तर है आपका 16 का सी, यानी 1.4 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, किसी जॉब पर मार्किंग करते समय रेफरेंस सरफेस होती है? चार ऑप्शन है, ए सरफेस गेज, टेबल की सरफेस। इसका 17 का टेबल की सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 18, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा पार्ट किसी डेटम एज के समानांतर लाइन खींचने के लिए प्रयोग होता है? चार ऑप्शन है, रोकर आर्म, बी स्नाग, सी स्क्राइबर, डी गाइड पिन। गाइड पिन 18 का सही उत्तर है आपका 18 का बी, यानी स्नाग, सॉरी 18 का डी हो जाएगा, यानी गाइड पिन। 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गाइड पिन। क्वेश्चन नंबर 19, स्क्राइबर किस धातु का बनाया जाता है? स्क्राइबर किस धातु का बनाया जाता है? चार ऑप्शन है, हाई कार्बन स्टील, बी पीतल, सी कास्ट आयरन, डी माइल्ड स्टील। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 19 का ए, यानी हाई कार्बन
स्टील। क्वेश्चन नंबर 20 यानी लास्ट क्वेश्चन है आज का वीडियो में, ये अंतिम क्वेश्चन है। दो या अधिक स्टैंडर्ड लंबाई के ब्लेड लगाए जा सकते हो, इसे एक्सा फ्रेम को कहते हैं। चार ऑप्शन है, फिक्स फ्रेम, बी ट्यूब फ्रेम, डी इसी एडजस्टेबल एक्सा फ्रेम, डी इनमें से कोई नहीं। 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका एडजस्टेबल एक्सा फ्रेम। तो चलिए आज हम लोग हैंड टूल्स, जो कटिंग हैंड टूल्स है, उस टॉपिक से, उस चैप्टर से 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन को हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को आप लोग देखिएगा ताकि AITT मुख्य परीक्षा में इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, आ सकता है। जय हिंद, जय झारखंड।